गाइस, दिस मनप्रीत कौर एंड वेलकम टू आवर चैनल हाउस देखो। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेक्टर 123 की फ्रंट पॉकेट में 3BHK कोठी का कंसेप्ट। सो लोकेशन रहेगी 123 का बिल्कुल फ्रंट पॉकेट, नियर 200 फीट रोड है। जितनी भी कोठीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, इर्द गिर्द जितने भी प्लॉट्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे सारे बड़े प्लॉट्स ही हैं। 200 गज की सारी इन्वेंट्री रहेगी। एक हमारी ही ये इन्वेंट्री है, यहाँ पे कोठीज हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस में, एक अच्छे प्राइस में, कम एरिया में हमने बिल्डअप किए, सो दैट एक आपके पॉकेट में वो आ सके। सो आइए एक बार प्रॉपर्टी देखते हैं। बिल्डअप एरिया हाउस का रहेगा 115 गज में कोठी तैयार है। ये आ जाता है हमारा पॉच एरिया। पार्किंग का एरिया आप देख सकते हैं कितनी स्पेस है और कितना स्पेशियस है। जितनी मर्जी बड़ी गाड़ी आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। कॉर्नर हाउस रहेगा, ग्रीन एरिया, बरम एरिया आपको साथ मिल रहा है हाउस के टिल पीछे तक। ये सारा आपका ग्रीन एरिया, गार्डनिंग कर सकते हैं, प्लांटेशन यहाँ पे कर सकते हैं, सीटिंग का आपने बनाना है वो आप कर सकते हो यहाँ पे। ये आ जाता है हमारा फ्रंट डोर। टीक के दरवाजे रहेंगे, जैसे आप देख सकते हैं फ्रंट डिजाइनिंग आप डोर की कितनी प्यारी हो रखी है, एज इट इज आपको मिलेगी। एंट्री के साथ ही आ जाता है हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया। फॉल सीलिंग जैसे आप देख सकते हैं एज इट इज विद वुडन टच विद एलईडी लाइट्स डन रहेगी। एसी इसके प्रोविजन भी डन रहेंगे। बेसिकली सेमी फर्निश्ड हाउस रहेगा, ये मूवेबल फर्नीचर इंक्लूडेड नहीं रहेगा, बाकी कोठी आपको एज इट इज मिलेगी। विट्रीफाइड फ्लोरिंग रहेगी सारी, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रांडेड स्पेंजा की सारी 2x4 की टाइल्स रहेंगी विट्रीफाइड। हमारे राइट साइड में प्रॉपर मॉड्यूलर किचन आ जाती है, प्रॉपर हाइड्रोलिक, सारे ऑटोमेटिक क्लोजर्स रहेंगे विद ड्यूल सिंक्स। जैगुआर की वॉशरूम फिटिंग्स प्लस एंट्री फिटिंग्स रहेंगी। 2 बेडरूम सेट नीचे रहेंगे ग्राउंड फ्लोर पे और 1BHK ऊपर रहेगा। यह आ जाता है हमारा फर्स्ट रूम। स्लाइडिंग कबर्ड्स इंक्लूडेड रहेंगे टिल रूफ, ऊपर स्टोरेज के लिए हो जाएगा, नीचे शोकेस के लिए विद ड्रेसिंग एरिया। अटैच वॉशरूम रहेगा, वॉशरूम में भी ब्रांडेड जैगुआर की वॉशरूम फिटिंग्स रहेंगी। एसी के प्रोविजन बेडरूम्स में भी डन रहेंगे, प्लस टीवी पैनलिंग भी आपको डन मिल रही है बेडरूम्स में। पीछे हमारा आ जाता है वॉशिंग एरिया, वेंटिलिटी एरिया आ गया आपका। आइए नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं। ये आ जाता है हमारा सेकंड रूम। सेम सिनेरियो हमारे सेकंड रूम का है, फॉल सीलिंग एज इट इज डन विद स्लाइडिंग कबर्ड्स टिल रूफ एंड ड्रेसिंग एरिया। अटैच वॉशरूम रहेगा इसके साथ भी। वॉशरूम का स्पेस काफी अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कंजस्टेड नहीं है। वॉशरूम की फिटिंग्स एट टाइम ऑफ पोजेशन हम आपको लगा के देंगे। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ।
इस लोकेशन से आपकी सारी अमेनिटीज़ भी हमें नियर बाय ही मिल जाती हैं। अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो वो भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है और लोकेशन बिल्कुल जलवायु के साथ पड़ती है। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, हाउसेस देख रहे हैं, वो भी हमारी ही कंस्ट्रक्शन है। ऑलरेडी फैमिलीज़ शिफ्ट हो गई हैं, रह रही हैं। फ्रंट आप स्ट्रीट जो देख रहे हैं, वॉल टू वॉल अराउंड 50 फीट की स्ट्रीट रहेगी। काफ़ी वाइड स्पेस है तो पार्किंग का कोई इश्यू नहीं रहेगा, क्योंकि घर के अंदर भी आपको बहुत स्पेस मिल रही है, प्लस बाहर भी बहुत स्पेस मिल रही है, तो पार्किंग का कोई इश्यू नहीं रहेगा। चाहे जितने भी हमारे गेस्ट वगैरह आ जाएं, आपको वो टेंशन नहीं होगी कि कार पार्किंग्स कैसे होंगी। तो काफ़ी अच्छा एरिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं खुला डुला एरिया है। आपको वो कंजस्ट मतलब भीड़ भाड़ वाला या थोड़ा घुटा घुटा नहीं महसूस होगा, तो बहुत अच्छा एरिया, खुला डुला एरिया। आ जाओ, ये आ जाता है हमारा फर्स्ट फ्लोर। इस साइड पे हमने किचन की प्रोविजंस दे दी हैं। एज यू सी, आपने अगर यहाँ पे किचन सेटअप करना है, एक स्लैब डाल के आप किचन सेटअप कर सकते हैं। अगर आपने वैसे पूजा रूम का सेटअप करना है या बच्चों का स्टडी रूम बनाना है, प्ले रूम बनाना है, तो वो सेटअप हो सकता है। इस साइड पे हमारा आ जाता है वन बेडरूम। With attached washroom and cupboard. इस एरिया को भी हम कबर्ड लगा के उसको एज अ स्टोर भी यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं हम। पीछे आ जाता है टेरेस। सेम सिनेरियो है कि हम इस चीज़ को, हम इस एरिया को भी कवर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, और इसके ऊपर भी एक स्टोरी हम बिल्ड कर सकते हैं। सारी एंटिस की टाइल्स हैं टेरेस पे। मेरे राइट साइड पे जो आप कोठीज देख रहे हो, ये भी हमारी ही कंस्ट्रक्शन है। एस इट इज़, जैसे आपको एक कोठी दिख रही है सेम वो तैयार हो रही है, तो वो भी हमें अच्छी मिल जाएंगी। उसका प्लस पॉइंट ये है कि उसके पीछे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, बेसिकली सिंगल लाइन कोठियाँ हैं वो, तो वो भी एक अच्छी आपकी इन्वेंट्री है ऑप्शन, हम वो भी देख सकते हैं। सो आई होप आपको हमारी आज की प्रॉपर्टी अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छी लोकेशन है विद ऑल अमेनिटीज़, विद एप्रिसिएशन। मेन चीज़ अप्रिसिएशन होती है, क्योंकि आप अगर एक लैंड लेते हैं, एक हाउस लेते हैं, तो मेन जो मैटर करता है वो रहता है लोकेशन, कि आप एक अपनी पूंजी उस पर लगा रहे हैं कि कल को आपको उसकी अप्रिसिएशन ज़रूर मिलनी चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, अप्रिसिएशन बहुत अच्छी है इस लोकेशन की। फ्रंट पॉकेट है सेक्टर 123 का, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ भी बनी हुई हैं, बिल्डअप भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ए ग्रेड क्वालिटी है। सो आपके लिए अच्छी ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। बाकी फर्दर इंक्वायरीज और डिटेल्स के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।